नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिजिटल हेल्प हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, सी एस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के इवन सेमेस्टर के फॉर्म निकले हुए हैं। फिलहाल फॉर्म निकले हुए हैं इवन सेमेस्टर, मतलब जो सम सेमेस्टर होते हैं 2, 4, 6, 8 वगैरह, उनके फॉर्म निकले हुए हैं। उसमें प्रोफेशनल कोर्सों के भी निकले हुए हैं और ट्रेडिशनल कोर्सों के भी। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स लाइक BSc होम साइंस, BSc कंप्यूटर और ट्रेडिशनल कोर्स जैसे BSc एग्रीकल्चर वगैरह, इन सभी के फॉर्म निकले हुए हैं। तो आप वो फॉर्म कैसे फिलअप करना है इवन सेमेस्टर का, वो आपको लाइव फिलअप करके दिखाएंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसका आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, उसके ब्राउजर में आ जाएंगे। और ब्राउजर में आपको टाइप करना है CCSU मेरठ करके। जैसे आप सर्च करेंगे, इसकी बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, 5-6 वेबसाइटें हैं CCS की। तो आपको फिलहाल कौन सी वेबसाइट खोलनी है, तो कोई स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये वाली exam.ccsu.web.in, ये वाली वेबसाइट आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए खोलनी है। ये वाली वेबसाइट आपको खोलनी है। तो फॉर्म वेबसाइट खोलेंगे तो ये देखो, इसका फ्रंट पेज खुल जाता है। इस वेबसाइट का पेज, होम पेज इस प्रकार का खुलता है। ये इसका पेज खुलता है। इसमें बहुत सारे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्म फिल फॉर्म करने का, ये है। यहाँ पे ऊपर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं फिल फॉर्म करने का, ये है। जिसमें ये वाला जो ऊपर वाला ही है इवन सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म, यही हमें फिलहाल खोलना है। बाकी इसमें और भी है, देखो नीचे लिंक, BEd का भी है, UGPG डिवीजन इंप्रूवमेंट या बैक एक्स वगैरह सभी लिंक है इसमें। फिलहाल हमें क्या करना है, हमें तो फिलहाल जैसे ये भरना है इवन सेमेस्टर का फॉर्म। अभी हम इवन सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए देखो क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएंगे ऑप्शन। यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा फेच करने के लिए ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें यहाँ पे PG के भी हैं और UG के भी है। इसमें बैक एक्स के भी है लिंक और यहाँ पे रेगुलर का भी है, जो रेगुलर चल रही है उसका भी लिंक है। अभी हमें BSc कंप्यूटर साइंस का भरना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, UG सेमेस्टर रेगुलर वाले पे, रेगुलर इवन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे फिर कोर्स पूछेगा, ये कोर्स खुल जाएंगे। UG के सेमेस्टर के सभी कोर्स खुल जाएंगे, जिसमें प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल कोर्स सभी आ रहे हैं फिलहाल। सभी इवन सेमेस्टर, सम सेमेस्टर के जो फॉर्म है यहाँ पे आ जाएंगे। और अभी इसमें अपना आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका कोर्स है, BSc AG है, BTech है, या BSc होम साइंस है, BSc कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारे कोर्स है इसमें। जितने भी प्रोफेशनल कोर्स वहाँ पे प्रचलित हैं यूनिवर्सिटी में, वो सभी कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे। जिनके फॉर्म फिलहाल निकले हुए हैं वो आपको सेलेक्ट करने हैं कोर्स इसमें से। तो अभी BSc कंप्यूटर साइंस का फॉर्म भरेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आए ये सर्च इन में देखो, यहाँ पे रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं आप स्टूडेंट का डेटा, और इनरोलमेंट नंबर से भी, रोल नंबर इनरोलमेंट जो उसे भी आप सुविधा लगे आप उसी से स्टूडेंट का डेटा सर्च कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे फादर या मदर्स नेम, फादर या मदर्स का फुल नेम डालना है, दोनों में से किसी एक का नेम डालना है इसमें, चाहे फादर्स का डाल लो चाहे मदर्स का डाल लो, किसी का एक का फुल नेम डालना है। और देखो सभी डाल के यहाँ पे डिटेल्स, उसके बाद एडमिशन ईयर, रोल नंबर डाल, इनरोलमेंट नंबर डाल लेंगे स्टूडेंट का और पिताजी का नाम, और उसके बाद यहाँ पे एडमिशन ईयर ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स में फर्स्ट ईयर में कब एडमिशन लिया था वो ईयर सेलेक्ट करना है, और कैप्चा को डाल के जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स खुल जाती हैं। आपको डिटेल्स यहाँ पे देख लेनी है कि सही आएगा। डिटेल्स करने के बाद प्रोसीड पर जैसे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स की ये चीज़ें मांगी जाती है, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी जो भी इसमें एप्लीकेबल है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट, डोमिसाइल स्टेट क्या है, और रिलीजन, जो रिलीजन है वो सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे करंट और परमानेंट एड्रेस डालना है, करंट एड्रेस डाल लेंगे, और इसमें कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी फ्रॉम करंट, कॉपी कर सकते हैं इसको। स्टेट फिर यहाँ पे जो भी स्टेट है आपके एड्रेस का, एप्लीकेंट के एड्रेस का जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे पिन कोड जो सभी आईडी में लिखी होती है, और कॉपी पे जैसे क्लिक करेंगे सभी डिटेल्स इधर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बस लिस्ट से सेलेक्ट करना है, बाकी डिटेल्स आ जाती हैं सभी। यहाँ पे मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डाल लेंगे इसमें, स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी डाल लेंगे इसमें इधर। ईमेल आईडी डाल लेंगे, मोबाइल नंबर सही से देख के डाल लेना चाहिए, अगर प्रीफरेंस फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़े उसके लिए सही से देख के डाल लेना चाहिए। और इधर यहाँ पे मोबाइल नंबर सही से देख लेंगे एक बार, और यहाँ पे ईमेल आईडी, अनिवार्य है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिस चीज़ पे स्टार का मार्क लगा हुआ है मैंडेटरी है, आपको डालने ही डालने हैं ये चीज़, आप छोड़ नहीं सकते इसको। ईमेल आईडी डाल लेंगे, इसका फॉर्म का डायरेक्ट लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे वीडियो की, वहां से भी आप डायरेक्ट इस फॉर्म को खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप खोल सकते हैं।
और ये जो मार्क्स है देखिए, जैसे रिजल्ट अगर नहीं आया ना, इसमें लिखा हुआ कि रिजल्ट नहीं आया है, तो आप वन वन करके फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर रिजल्ट आ गया तो मार्क्स डालने चाहिए, ऑप्टेंट में तो कितने मार्क्स आए हुए और मैक्सिमम में जितने में से आए हुए वो डालने हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इसमें ब्लू ब्लू कलर में, जो लाइट ब्लू कलर है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप वन वन करके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसमें साफ साफ ये नीचे लिखा हुआ है, अगर रिजल्ट आया हुआ है, मार्क्स वगैरह आए हुए हैं, तो फिर इसमें मार्क्स डालने हैं ऑप्टेंट में और मैक्सिमम में। और यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, मैं अपने बढ़िया तरीके से चेक कर लेने चाहिए, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का, कि आपके जो सब्जेक्ट है आपके बिल्कुल सही शो करने चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट अच्छे से रीड कर लेने चाहिए, अगर आपके सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई गलत सब्जेक्ट आ रहा, तो आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना चाहिए, आपको ये फॉर्म यहीं पर छोड़ देना चाहिए और इसकी कंप्लेन करानी चाहिए यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर या कॉलेज में जाके कि मेरे फॉर्म में गलत सब्जेक्ट आ रहे हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फॉर्म का, कि आपके सब्जेक्ट बिल्कुल सही आने चाहिए, बाकी आप चाहे कुछ भी गलत कर दो उसमें कोई दिक्कत, लेकिन ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सब्जेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे फोटो है, देखो फोटो का साइज जो है 20 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का भी साइज 20 KB से कम होना चाहिए। वो अपलोड करके जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपकी फीस दिखा देगा और ये फॉर्म नंबर सिस्टम की तरफ से जनरेट हो जाएगा। ये फॉर्म नंबर जिस पर हमने सेलेक्ट कर रखा है, ये फॉर्म नंबर सिस्टम की तरफ से जनरेट हो जाएगा, ये आपको अनिवार्य रूप से कॉपी कर लेना है। इसी से आगे सारे प्रिंट वगैरह निकलेंगे, इसके जो फॉर्म का प्रिंट वगैरह निकलेंगे वो सब इसी से निकलेंगे, और यहाँ पे आपकी फीस शो कर देगा, जो भी फीस है आपकी वो फीस शो कर देगा। वो फीस पे जैसे भी क्लिक करेंगे आप पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे पे करने के लिए, आप कहीं से भी ऑप्शन, ये देखो नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, आप जहाँ से भी आपको सुविधा लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। UPI का इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। कार्ड की डिटेल्स डाल के जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, बैंक की तरफ से आपके OTP आ जाएगा पेमेंट डिटेक्ट होने के लिए। OTP डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फीस डिडक्ट होके, जैसे ही सक्सेसफुल तरीके से फीस डिडक्ट होगी, ये ऑटोमेटिक रिडक्ट हो जाएगा CCS की वेबसाइट पर ही, वापस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डिडक्ट हो जाएगा। वो फॉर्म नंबर जो आपको बोला था वो आपको कॉपी करना है, उसी से आगे इसकी फीस की स्लिप और फॉर्म का प्रिंट आउट निकलेगा। ये वाली रिसिप्ट आ जाती है, ये आपको ज़रूरी नहीं है निकालनी है, ये आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इसको, इसके कोई अनिवार्य नहीं है कि आपके चाहोगे फॉर्म नंबर यहाँ पर भी है, बाद के जो अक्षर हैं वो फॉर्म नंबर ही है, तो ये डाल लेंगे फॉर्म नंबर। और प्रिंट निकालने के लिए सर्च पे क्लिक करेंगे, रीप्रिंट पे जैसे क्लिक करके सर्च करेंगे तो देखिए PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड पे क्लिक करते ही PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है, जिसको आप प्रिंट निकाल के प्रिंटर से आपको कॉलेज में जमा करना है इसका प्रिंट। फिर और पेमेंट रिसिप्ट, इसमें ऑप्शन में पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन आता है, पेमेंट रिसिप्ट भी निकालनी है आपको अनिवार्य रूप से। जो पेमेंट रिसिप्ट रिडेक्ट हो गई थी वो नहीं चलेगी, ये वाली पेमेंट रिसिप्ट जो आपको सर्च करके निकालनी है, ये आपको निकालनी है प्रिंट, वो वाली नहीं चलेगी, ये वाली स्लिप चलेगी वहाँ पर कॉलेज में जमा करने के लिए। तो देखिए इसका भी आप प्रिंट निकाल लीजिए और जो फॉर्म निकला उसका फॉर्म का और प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है वो सभी लगा के आपको डॉक्यूमेंट अपने कॉलेज में अनिवार्य रूप से जमा करने हैं, फीस वगैरह काटने के बाद भी। ये नहीं सोचना कि आपने फीस कम काट दी तो आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको ये सभी प्रिंट निकाल के फॉर्म का और फीस स्लिप का प्रिंट निकाल के और इसमें प्रीवियस ईयर की मार्कशीट लगा के कॉलेज में मैंडेटरी रूप से जमा करना है। ठीक है, धन्यवाद।